नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गंभीरता दिखाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों को लेकर मातहतों को अलर्ट करने के साथ ही सभी थानेदारों को पैदल गश्त करने का निर्देश दिया है। वहीं बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए सार्वजनिक स्थल और भीड़ भाड़ वाली बाजारों में विशेष रूप से ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद वासियों से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के जरिए असामाजिक तत्वों के ऊपर नजर रखी जाएगी और त्योहारों में खलल डालने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए आगामी त्योहार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दृष्टिगत कल रात में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस की प्रेजेंस, पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस की विजिबिलिटी आने वाले दिनों में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट के एरियाज हैं या जहां पर पब्लिक का आवागमन ज़्यादा होता है, वहां पर अपनी ये प्रेजेंस बनाए रखें। विशेष रूप से जहां महिलाओं का आवागमन मार्केट में हो रहा है, वहां पर महिला सिपाही और महिला सब इंस्पेक्टर्स के साथ पिकेट और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त करने और ये इंश्योर करने कि वहाँ एक सुरक्षित माहौल हो। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक की हमारी व्यवस्था है, जो रोडवेज और एआरटीओ आपके साथ समन्वय बना करके ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी प्रकार का कोई जाम ना लगे। तीसरा, जो हमारे आईटीएमएस के कैमराज हैं और त्रिनेत्र के जो कैमराज हैं, वहाँ भी टीमों को एक्टिवेट किया गया है ताकि सब जगह नजर बनी रहे। कोई भी अपराधी या कोई भी अराजक तत्व इस तरह की कोई घटना करने का प्रयास करता है तो तत्काल उसके ऊपर बहुत कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश लगातार दिए जाए।